हेलो एवरीवन, चलिए आज हम फिर से एक नए सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय है जीवन में कठिनाइयों का और अभावों का महत्व। लाइफ में हम अक्सर सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए। किन लोगों की होती हैं ये सक्सेस स्टोरीज? ये यूजुअली उन लोगों की होती हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके एक सफल मुकाम हासिल किया होता है, जो फेलियर से डरते नहीं है, रुकते नहीं है, संघर्ष करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्या हमें कोई ऐसी स्टोरी कभी मोटिवेट करेगी कि बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन था और उसके बेटे ने उसका बिजनेस और एनहांस किया और अच्छा किया? नहीं। तो ऐसी कौन सी स्टोरीज होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? ये वो स्टोरीज होती हैं जिसमें एक इंसान बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद रुकता नहीं है, जो कि रिजेक्शन से, फेलियर से डरता नहीं है और जीवन में आगे बढ़ता जाता है और एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल करता है, जो कि हो सकता है फिजिकली चैलेंज्ड हो, फिर भी अपने आत्मविश्वास के दम पे जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम खुद उस परिस्थिति में होते हैं तो क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम कहते हैं थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं जीवन में कुछ साबित करके दिखा सकूं, कि मैं एक सक्सेस स्टोरी बना सकूं, कि मैं इतिहास बदल सकूं, मैं दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकूं? नहीं, हम कठिनाइयों में, मुश्किल परिस्थितियों में बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हमारी टूट जाती है, हमारा विश्वास अपने आप पे डगमगा जाता है, एक फेलियर, एक रिजेक्शन हमें हिला देता है और हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन में आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकते। किताबों में तो हमें ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम पे खुद पे आती है तो हम क्रिप करते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, भगवान से ये सवाल करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? और हम अपनी लाइफ उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो कि हमारे हिसाब से ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास शायद ज्यादा पैसा है, बड़ा घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ है और हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों का जीवन हमसे कितना बेहतर है। जरा सोचिए, ऐसा बच्चा जो एक बहुत ही फाइनेंशियली रिच फैमिली में पैदा हुआ है, जो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता है, जिसे जीवन में किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसके पास चार लोग होते हैं उसका ऑर्डर लेने के लिए, ऐसे बच्चे की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए क्या मोटिवेशन होता है? क्या ऐसा बच्चा संघर्ष करना सीख पाता है? क्या ऐसा बच्चा फेलियर से बहुत जल्दी नहीं डर जाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा होता है, उसे हर चीज से बहुत बचा के रखा होता है, उसे ये मालूम ही नहीं होता कि कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे लड़ के आगे आना है? ऐसे बच्चे को हमें देख के लगता है कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। आप में से बहुत लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में जो राजकुमार होते हैं, एक उम्र के बाद उन सबको गुरुकुल आश्रम में भेज दिया जाता है, जहां पे उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आश्रम के बहुत ही डिफिकल्ट नियम होते हैं जिनका उन्हें पालन करना पड़ता है, विद्या को सीखने के लिए, उसमें निपुणता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी कठिनाई हम उनको क्यों देते हैं? राजा के बच्चे हैं, आराम से घर में, राजमहल में बिठा सकते हैं, एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं,
जिसमें उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आज की डेट में तो हम ऐसा ही करते हैं। आज की डेट में जिसके पास जितना पैसा हो वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। वो कोशिश करता है कि हर चीज वो अपने बच्चे को प्लेटर में सर्व करके दे दे और उसे किसी चीज के लिए जीवन में संघर्ष ना करना पड़े। आज की डेट में जब ये दोनों बच्चे हैं, यंग हैं, तो हो सकता है आपस में आपको लगे कि ये कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। पर जीवन में जिसने संघर्ष करना नहीं सीखा, उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा। क्योंकि पैसा ये इंश्योर नहीं करता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और वो बच्चा जो बचपन से संघर्ष करता आ रहा है, मेहनत करता हुआ आ रहा है, उसे पता होता है जीवन में हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कोई अभाव है, आपके जीवन में मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको, तो आप अपने मन में ये सोचिएगा कि भगवान ने आपको मौका दिया है। क्योंकि ये मौका, ये वजह हर इंसान के पास नहीं होती है। आपको ये मौका मिला है कि आप जीवन में मेहनत करके कुछ साबित कर सकें। जीवन में सक्सेस पाने के लिए एक वजह भी बहुत होती है और फेलियर के लिए 100 वजह भी कम है। जो इंसान अपने फेलियर को जस्टिफाई करना चाहता है वो 100 वजह ढूंढ लेता है कि तब मेरे पास ये नहीं था, काश ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। या तो आज आप अपनी कठिनाइयों की वजह से, मुश्किलों की वजह से अपने हालात को सुधारने का कोई प्रयास ना करें, जीवन में एज अ फाइटर आगे नहीं आए और आपके हालात धीरे धीरे खराब होते जाएं और बाद में जाके आप रोएं कि मेरे जीवन में मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। या आप इसको एक मौका समझें जो कि भगवान ने आपको दिया है जीवन में कुछ करने का और अपने हालात बदलने का। आप जब इन कठिन परिस्थितियों से निकल के जीवन में कुछ अचीव करते हैं, तो सिर्फ आप अपने हालात नहीं बदलते हैं, आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक उम्मीद देते हैं, उनको यह हौसला मिलता है कि जब आप ये कर सकते हैं तो हम भी शायद ऐसा कर सकते हैं। उनका भरोसा अपने आप पे बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि जो मौका आपके पास है उसे कोसिए मत, अपने हालातों पे रोइए मत। एक दृढ़ संकल्प कीजिए, निश्चय कीजिए कि आज आपके पास जो मौका है आप उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, इन स्पाइट ऑफ व्हाट योर कंडीशन इज टुडे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।